अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम किचन और आज मैं आपको बताती हूँ कि आज कामनान ने मुझसे फरमाइश की है कि तुम आज शामी कबाब बनाओगी, तो मैंने कहा चले ठीक है, जिस दिन इनका ऑफ होता है ये मेरी हर फरमाइश हम लोगों की पूरी करते हैं, बच्चों की भी, तो चले आज मैं शामी कबाब की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी और अपनी थोड़ी सी किचन की रूटीन भी। और शामी कबाब की टिक्कियाँ बच्चों का भी देखता रहता है, मैं बना कर तो मेहमान आ जाता है या घर में चलो। वैसे भी बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उसमें कबाब एक लगा के सैंडविच बना के दे दिया, इस तरह आपको पता है इजी हो जाता है। हाँ। तो वो फिर मैंने कहा चलें वो भी बना भी लेते हैं, साथ में कामरान को खुश भी कर देते हैं। जी, तो मैंने कहा चलो शामी कबाब की टिक्कियाँ बना लेते हैं, तो किचन में हम लोग पटिया हुए तो चलेंगे या बनाएंगे और हम वीडियो बनाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। गोश्त डाल दिया और अब इसमें पानी ऐड कर दिया और ये इसमें तकरीबन एक लहसुन जो है मैंने वो छील के इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च, ये तकरीबन आधा चम्मच है मैंने सूखा धनिया पाउडर ऐड किया, बिल्कुल इतनी मिकदार में गरम मसाला, और ये ददड़ हुआ हुआ जो सूखा धनिया होता है ना वो है, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है कबाब में। और ये देखें तकरीबन आधा टीस्पून कह लें वो मैंने सूंड पाउडर इसमें ऐड किया, क्योंकि आपको पता है गोश्त जो है वो बादी होता है, तो उसमें बहुत अच्छा इसका वैसे भी इफेक्ट भी होता है। और ये इसमें हमने तकरीबन 2 कप चने की दाल ऐड कर दी, और तकरीबन 1 किलो गोश्त था इसलिए इसमें 1/2 किलो चने की दाल मैंने शामिल की है। और ये इसमें धाड़ा मिर्च तकरीबन ये साफ चम्मच एक ये ऐड कर दी। अच्छा जी, अब मैंने दाल और गोश्त चढ़ा दिया मसाले डाल के, तकरीबन 45 मिनट के बाद इसको अब बेड को खोलेंगे, तो फिर तकरीबन उस टाइम रेडी होता है, बस उसको फिर उसके साथ नेक्स्ट आगे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चल अच्छा जी व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने ये शामी कबाब का बैटर तैयार कर लिया है और अब मैं इसको ये इसमें लंगड़ी में कूट के तो अच्छी तरह इसमें स्मैश कर लूँगी, और इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। इसमें ग्रीन मिर्च डालने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और इस टाइम बच्चों के लिए मैंने सोचा कि मैंने भी फ्राई भी कर दूँगी। ये मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं। और ये मैंने अंडा लगा के इनको फ्राई करना शुरू कर दिया, और आपने अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये शामी कबाब की रेसिपी कैसी लगी है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आपने भी दुआओं में मुझे याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।